आगे बढ़ते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की, मुलाकात की तफसलात सामने लाए। जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। जुबैर साहब की मेरी बातचीत होती रही, जुबैर साहब और मैं मिलते रहे। जुबैर साहब यू नो दैट, मुझे पता है कि आपको क्या पता है। क्या जो जनरल बाजवा के बारे में आप कहते रहे क्या वो तब गलत था? आज आप उस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं जो मुलाकात कभी हुई नहीं। तो ये अपने मुफाद के तहत झूठ बोलना जुबैर साहब है जस्ट लाइट थ्रू स्टीथ। मियां नवाज शरीफ साहब की और जुबैर साहब की मुलाकात ये बिल्कुल मुकम्मल दरोग गोई है। ये बातचीत, ये मुलाकात तो दूर की बात, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उनकी कभी बातचीत भी नहीं हुई। जुबैर साहब ने ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात करके मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन को, जनरल बाजवा को भी और मियां नवाज शरीफ साहब की जमात को भी, ये हक हासिल है कि वो इनके खिलाफ कोई लीगल कोर्स में लेकर जाएं। अगर को अपना आईनी किरदार अदा करना लगे तो जिस जमात में जाने की पेशबंदी करते हैं जुबैर साहब, उसको आइन पर अमल करने वाले को ये लोग जानवर कहते हैं। आप तो मेरे सामने बड़ी बड़ी आइन की बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, तो मेरा ख्याल उस साफ में शामिल ना हो।